वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है वो फिर से तीन तरीके का हो सकता है, नॉर्मल इंटीजर, या फिर सिर्फ फ्रैक्शनल वाला डेसिमल नंबर, या फिर मिक्स्ड नंबर। तो इंटीजर जैसे फॉर एग्जांपल 266 बेस 10, फ्रैक्शनल की बात करूँ तो 0.318 बेस 10, और अगर मिक्स्ड नंबर की बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल 21.81 बेस 10। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको भी देखेंगे कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शनल वाले को डेसिमल, इंटीजर वाले डेसिमल नंबर को, और मिक्स्ड डेसिमल नंबर को, जैसे ये है 21.81 बेस 10, इसको कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले वाले का देखते हैं जो है इंटीजर डेसिमल नंबर। तो 266 है बेस 10, इसे मेरे को ऑक्टल में इसका इक्विवेलेंट पता करना है। तो जब बाइनरी में हम कर रहे थे कन्वर्ट, तो हम क्या कर रहे थे, हम 2 से रिपीटेड डिवाइड करते हुए चल रहे थे, क्योंकि 2 बाइनरी का क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ पर मुझे ऑक्टल में करना है कन्वर्ट, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो मतलब मैं रिपीटेड डिवाइड करूँगा 8 से, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करूँगा, लेकिन किसको, 266 को। तो 266 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 24, 2 कैरी हुआ 26, 8 3 24, तो 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बचा यहाँ लिखा। फिर 8 1 8, 8 2 16, 8 6 24, 8 4 32, तो 8 4 32 बचा 1, तो ये आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब नीचे आ गया 4, 8 से छोटा होता है, तो मतलब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरा इसका इक्विवेलेंट बना ऑक्टल में वो ये है 4 1 2, नीचे से ऊपर को जाते हैं क्योंकि हमें पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे होती है। तो 266 बेस 10 का अगर मैं ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो उसका है 4 1 2 बेस 8, बेस लगाना मत भूलना। तो ये डेसिमल में और ये ऑक्टल में एक ही चीज़ है। 266 अगर मैं डेसिमल में बोलता हूँ तो उसका इक्विवेलेंट 4 1 2 होगा ऑक्टल में। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हमने क्वेश्चन देखा कैसे किसी डेसिमल इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। अब देखते हैं कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो है 0.375 बेस 10, ये है डेसिमल नंबर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले भी जैसे मैंने बाइनरी में आपको बताया था, जब फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो इनटू करते हैं, जैसे बाइनरी में इनटू कर रहा था 2 से, तो इनटू करूँगा 8 से। तो 0.375 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8, ये बात याद रखना। तो 8 5 40 04, 8 7 56, और वो 4, तो ये हुआ 66, 24 प्लस 6, ये हुआ 3.000। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है जो पॉइंट से पहले है 3, तो 3 को हमने ले लिया, बचा क्या है 0.000, तो सारे 0 हो गए, तो आगे अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा नंबर आया वो क्या है 3, तो मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे 375 का वो है 3। तो 0 तो ऐसे ही आएगा, 0 पॉइंट ऐसे ही आया, ये पूरा बन गया 3 बेस 8। तो ये था डेसिमल में, उसका ऑक्टल में इक्विवेलेंट क्या है 0.3 बेस 8, क्योंकि ऑक्टल में लिख रहा है इसलिए बेस 8 है, ठीक है। तो ये डेसिमल में और ये ऑक्टल में सेम चीज़ है, समझ में आया ना। इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल 0.015625, अभी तो जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जब हम इनको समझ लेंगे उसके बाद हम खूब सारे इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसको करते हैं ज़रा कन्वर्ट ऑक्टल में। तो 0.015625 है, तो 0.015625 इंटू करूँगा 8, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, 8 से इंटू करा, जो भी आएगा मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बना हमारा 8 5 40 04, यहाँ कैरी हुआ, 8 2 16 प्लस 4 20 02 आया, 8 6 48 49 50, ये हुआ 5, 8 5 40 और 5 45 54, यहाँ हुआ 8 1 8 प्लस 4 12, ये आया 1, तो 0.125000। तो इसका जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट कौन है 0, तो 0 इसका ले के रख लिया। अब ये आएगा इधर को 0.125000, इसको फिर से इंटू करेंगे 8 से, तो 8 0 0 0 0, 8 5 40 4 8 2 16 प्लस 4 20 2 आया, 8 1 8 9 10 0 1, तो 1 पॉइंट आगे सारा 0 है, तो 1 को उठा लिया, 1 आ गया, बन गया 0.00000, ठीक है। तो इसमें अब कुछ करना नहीं, ये आया 0 1। तो मैंने बताया भी है जब फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हुए आते हैं, जबकि इंटीजर वाले में नीचे से ऊपर जाते थे,
ठीक है, तो ये बना 0 1, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो 0 तो ऐसे ही आता है, तो 0 ऐसे ही आया, पॉइंट भी ऐसे ही आएगा, ये बन गया है 0 1, बेस आ गया 8, ये बेस था 10, ये डेसिमल नंबर था, तो इसका ऑक्टल में अगर मैं इक्विवेलेंट बोलूँ तो क्या है 0.01 बेस 8, समझ में आ रही बात। तो यहाँ हमने देख लिया कैसे इंटीजर नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, ये दो हमने कवर कर लिए। अब तीसरा बचता है मिक्सड नंबर, कैसे जो मिक्सड नंबर है उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल मिक्सड नंबर जो मेरे पास है वो है 48.16 बेस 10, ये मिक्सड नंबर है डेसिमल का, मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले तो ये 48 जो इंटीजर वाला है इसको करेंगे, तो तरीका इंटीजर वाले का तो सेम है भाई, 8 से डिवाइड करते हुए जाओ जब तक होता रहेगा, तो 8 5 40, 8 6 48, क्या बचा रिमाइंडर 0, और फिर यहाँ पर आगे 6, अब ये 6 तो होता है 8 से छोटा, ठीक है, तो इसके आगे तो अब करूँगा नहीं मैं सॉल्व, तो मतलब 48 का तो मेरे को मिलकर क्या है 60, तो 48 बेस 10 का इक्विवेलेंट हो गया 60 बेस 8, ठीक है, मतलब 40 अगर डेसिमल में कोई बोलता है मुझे को तो उसका इक्विवेलेंट 60 होगा ऑक्टल में। चलो ये तो हो गया, अब 0.16 का करना है, तो 0.16 को जब लिखूंगा तो 0.16 लिखूंगा, याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट जब लिखते हैं तो इंटीजर वाले को 0 लिखते हैं, तो 48 मतलब लिख देना यहाँ पर गलती से, तो 0.16 आएगा। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो 8 से इंटू करूँगा, तो 8 5 40, 8 6 40, 8 8 4 आए यहाँ पर, 8 1 8, 9 10 11 12, 12, तो 1.28 इंटीजर पार्ट है 1, उसको ले लिया, ये बन गया 0.28, इसको फिर से करेंगे इंटू 8, 8 8 64, 4 6 यहाँ पर आया, 8 2 16, 16 प्लस 6 22, तो 2 2.24, 2 आ गया, ये बन गया, अब ये यहाँ से वहाँ लिख दिया इंटीजर पार्ट, ये पहला वाला 2, तो यहाँ पर अब 0 आएगा, तो 0.24 बन गया, इसको फिर से इंटू 8 करेंगे, 8 4 32, तो 2 आया, 3 यहाँ पर कैरी हो गया, 8 2 16, 17 18 19, 1.92, अब इसका 1 ले लिया तो बन गया 0.92, 0.92 को 8 से करेंगे तो 8 2 16, 1 कैरी हुआ, 9 8 72 प्लस 1 73, तो 7.367 ले लिया, ये हुआ 0.36 इंटू 8, 8 6 48, 8 4 यहाँ पर आया, 24 24 प्लस 4 8, 28 2 पॉइंट, तो इसका अब 2 ले लिया ये है, ठीक है, तो 2 आ गया, फिर अब ये बना 0.88, अब हमें 0.88 इंटू 8 करा, 8 8 64, 6 8 8 64, 64 प्लस 6 हुआ 70 07, तो है 7.047 ले लिया, फिर अब बना 0.04, 0.04 इंटू 8 8 4 32, तो ये बना 2 3 कैरी हुआ यहाँ पर, 3 और 0, 0.32 इसका आ गया 0, ये बना 0.32 इंटू 8 8 2 16, 8 3 24, और 1 25 5 2 यहाँ हुआ कैरी, तो 2.56, इस बार 2 ले लिया, 0.56 इंटू 8 करेंगे, 8 6 48, 8 आया, 4 यहाँ कैरी हुआ, 8 5 40, 40 प्लस 4 44, तो 4.48, 4 आ गया, अब 4.48 बन गया 0.48, तो 0.48 इंटू 8 8 8 64, 4 6 4 32 प्लस 6 38, 8 हुआ, 3 आया, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो हमने 10 प्लेस तक निकाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मोर देन इनफ है, हमें दिख रहा है इसके आगे वो चलता जा रहा है, तो हम इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर जो मेरा इसका इक्विवेलेंट आया 0.16 का, वो क्या है 1 2 1 7 2 7 0 2 4 3, तो 0.16 का जो ऑक्टल में इक्विवेलेंट है वो क्या है, ऊपर से लिखते हुए आएंगे, ठीक है, वो है 0.12172702 4 3, मैंने 0 क्यों लगाया यहाँ पर, 0 पॉइंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो ये मेरा नंबर है ये 0.16 है, इंटीजर पार्ट 0 है, तो यहाँ पर भी इंटीजर वाला पार्ट मैं 0 दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने इंटीजर तो ऊपर निकाल लिया ना, तो वो यहाँ 0 रहेगा, पॉइंट लगाया जो ये है इस, ये जो 16 है इसका ये है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आगे इंटीजर वाला यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, वो हमने वो तो ऊपर निकाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ 0 रखा हुआ है, अब ये इसका निकाला ना हमने फ्रैक्शनल पार्ट का, तो उसमें लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट मत लिखना, ऐसा मत लिखना 16 10 इक्वल टू 1 2 1 7 2 7 0 2 4 3, ऐसे मत लिखना, 16 का थोड़ी निकाला हमने रिप्रेजेंटेशन, ये 0.16 का निकाला, तो इसलिए 0.1217 ऐसे निकला, तो ये हमने देख लिया इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट की रिप्रेजेंटेशन ये है। तो पूरे की बात करूँ अगर मैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो 48 क्या है 60 60 पॉइंट, 16 क्या है
127270243, तो अब इसको यहाँ से लिखूंगा पॉइंट के बाद से 127270243 और ये हो गया नीचे आया 8 क्योंकि ऑक्टल में है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है देखो 48 की थी 60, तो यहाँ पॉइंट से पहले 48 है तो पॉइंट से पहले है 60, पॉइंट के बाद है 16, तो 16 की क्या है 127270243, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद है ना ये, तो पॉइंट के बाद हमने ये लिखी भी। बात समझ में आ रही यहाँ तक? तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि कैसे डेसिमल मिक्सड नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। और यहाँ पर एक बात आप याद रखना, जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल का किसी और में तो इनटू करते हैं, लेकिन इंटीजर पार्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में तो तब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं 0.16 की इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ऑक्टल में वो अलग होगा, और अगर 16 का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ऑक्टल में वो अलग होगा, क्योंकि अभी 16 है इंटीजर, यहाँ पर 16 है फ्रैक्शनल। बात समझ में आ रही? यहाँ पर निकालने का तरीका अलग हो गया, इनटू वाला चलेगा, यहाँ पर डिवाइड वाला चलेगा। ठीक है, तो ये बात का ज़रा ध्यान रखना। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगले नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लेना। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।